سورة لقمان بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेतहा निहायत रहम फरमाने वाला है अलिफ ला मीम ये हिकमत वाली किताब की आयत है जो नकोकार लोगों के लिए मोहसिन के लिए हिदायत और रहमत है कौन है ये मोहसिन अल्लादीन युकीम सलात ये वो है जो नमाज कायम करते हैं वो न जक़ात जो जक़ात अदा करते हैं वह हम बिल आखिरतिन और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। तो मोहसिन वो है जो अल्लाह के आयत करदा फरायज की पाबंदी करे जिसका ईमान भी दुरुस्त हो और अमल भी दुरुस्त हो उला का अलादमिर रबीम व उलाह का हुमुफलि यही लोग अपने रब की तरफ से सीधी राह पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं सूरत अल बकरा में यही सिफात बताई गई मुत्तकीन की और यहाँ बताई जा रही है मोहसिन की इन सब चीजों के होते हुए इन हिदायत के होते हुए लोगों का तर्ज अमल क्या है वो मिनन्ना सिमय अश्तरी हदीस इलीह बल वो तुजआ मुहीन लोगों में कोई ऐसा है जो इसलिए बेहुदा बातें खरीदता है कि बगैर इल्म के अल्लाह की राह से बहका दे यानि कुरान के मुकाबले में लगवियात ले आता है और इसका मजाक उड़ाए, यानी जो लोग और तरह की किताबें पढ़ते रहते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल और दीन और ईमान से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं रखती तो फिर अमूमन इंसान के अंदर एक ऐसा रवैया डेवलप हो जाता है कि इंसान दीन का कुरआन का इस इल्म का मजाक उड़ाने लगता है ऐसे ही लोगों के लिए रस्वा को नजाब है तो लघवियात जो है वो इंसान को गाफिल कर देती है और लहबल हदीस जो है वो ऐसी बात ऐसा इल्म या ऐसी चीज है जिनके साथ अपना वक्त इंसान गुजारता है वो इंसान को अपने अंदर मशगूल कर लेती है और उनसे वो लज्जत भी हासिल करता है यानी उसको एक एडिक्शन हो जाती है चाहे वो किताबें हों कोई सीरीज हो चाहे वो गीत गाना हो या वो ऐसी चीजें जिसकी तरफ इंसान की हैवानी तबीयत मायल होती हो यानी जो उसकी ख्वाहिश नफ्स को हवा देने वाली हो जो बेफायदा हो जिनसे इंसान नॉन सीरियस हो जिनसे इंसान अल्लाह के रास्ते से भटकता हो या भटकाता हो तो कतादा इस आयत की तफसीर में कहते हैं मुमकिन है उसने माल के साथ ना खरीदा हो बल्कि उसे अच्छा जाना हो तो ये भी उसका खरीदना है इब्न कसीर कहते हैं कि आदमी की जलालत तो और गुमराही के लिए यही काफी है कि वो सच्ची और हक बातों की बजाय झूठी हकायतों और नुकसानदेह को फायदा मंद चीज पर तरजीह दे तो इससे ये पता चलता है कि कोई भी चीज जो इंसान को गाफिल करने वाली हो इंसान को अपने अंदर इतनी मशगूल कर ले इंसान उसको पाकर इतना एंजॉय करे कि वो अपने दीन ईमान आखिरत हर चीज को भूल जाए तो वो चीज उसके लिए नापसंदीदा है और बाज उल्ला ने लाहबुल हदीस का माना गाना किया है यानी गाना बजाना अब्दुल्ला बिन दिनार कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन उमर के साथ गया वो एक छोटी सी लड़की के पास से गुजरे जो गा रही थी इस पर इब्ने उमर ने कहा शैतान अगर किसी को छोड़ता तो इसी को छोड़ देता फिर इसी तरह इब्ने मसूद से इस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम वो जिसके अलावा कोई इलाह नहीं इस लाहबल हदीस से मुराद गाना है आप कसम उठाकर इस बात को तीन दफा दोहराते थे इब्राहिम नखी कहते हैं कि गीत दिल में निफाक को उगाता है मुनाफकत पैदा होती है और फिर ये कुरान से भी गाफिल कर देता है वह इदा तुतला अलही आया तुना वल्ला मुस्तबिर अब वो ऐसा मिजाज बन जाता है कि ऐसे लोगों को जब कुरान की आयात पढ़ के सुनाई जाती है तो वो तकबर से यूं मुंह फेर लेता है जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो गोया उसके कानों में बोझ है आप उसे दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए अलबत् जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए नेमतों वाले बाग हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे ये अल्लाह का सच्चा वादा है और वो हर चीज पर गालिब है और हिकमत वाला है उसने आसमानों को बगैर सुतूनों के पैदा किया जैसा कि तुम उन्हें देखते हो की कोई सुतून नजर नहीं आते लेकिन छत नजर आती है और जमीन में पहाड़ रख दिए ताकि वो तुम्हे लेकर हचकोले न खाए और उसमे हर तरह के जानदार फैला दिए नीज हमने आसमान से पानी बरसाया जिससे हमने जमीन में हर किस्म की उमदा अजनास उगा दी ये तो है अल्लाह की मखलूक अब मुझे दिखाओ कि अल्लाह के सिवा दूसरे महबूदों ने क्या कुछ पैदा किया है बल्कि ये जालिम सरी गुमराही में पड़े हुए हैं। वक़द आती नुकमान अल हम और हमने लुकमान को हमत अदा की थी हिकमत वो मई यू तल हमत फूतिया खीरन कसीरा और जिसको हिकमत मिल गई उससे बहुत बड़ी नेकी मिल गई बहुत बड़ी खैर मिल गई नकियां कमाने का मौका मिल गया लुकमान नबी नहीं थे लेकिन एक बहुत समझदार इंसान थे और उनकी बातों से जो आगे अल्लाह तला ने कुरान मजीद में बयान कर दी है बहुत खूबसूरत अंदाज में इससे अंदाजा होता है कि वो कितने समझदार थे उनकी समझदारी की सबसे पहली दलील क्या थी सबसे पहली हिकमत क्या कि अनिश्कुर यशमा यशकुरफसी के अल्लाह का शुक्र अदा करो लुकमान को जो हिकमत अदा की गई थी उसमें से सबसे पहली चीज जो उन्हें दी गई थी वो क्या थी शुक्र की तोफीक शुक्र अदा करना जो कोई शुक्र अदा करता है वो अपने ही फायदे के लिए करता है और जो ना करे अल्लाह यकीन उसके शुक्र से बेन्याज है और खुद अपनी ज़ में काबिल तारीफ है वो इस कॉल अलुकमानलिबनी ही ये आयात जो है ये पेरेंटिंग से ताल्लुक रखती है और बहुत ही जबरदस्त टिप्स है इनमें बच्चों की तरबियत के हवाले से और याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था या बुनैया कितने प्यार से बुलाता है या बुनैया ए मेरे छोटे से बच्चे प्यारे से बच्चे लातुश्रिक बिल्ला अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाना इन न अला जुल्म अजीम क्योंकि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है याद रखिए सबसे पहली चीज जिसे मजबूत करने की जरूरत है वो है दुरुस्त अकीदा बच्चों के अंदर सही ईमान पैदा करें बाकी काम बहुत आसान हो जाएंगे हम क्या करते हैं उनको नसीहतें करते रहते रात चलते झूठ ना बोलो ये ना करो वो ना करो ऐसा कर लो वैसा ना करो नहीं ये सारी चीजें जो आप उनको सिखा रहे हैं इसकी बुनियाद क्या है जब तक बुनियाद नहीं है जब तक बुनियाद में एक अल्लाह की मोहब्बत नहीं है एक अल्लाह पर ईमान नहीं है एक अल्लाह का डर नहीं है तोहहीद खालिश नहीं है इखलास नहीं है तो वो ये बातें जो ऊपर ऊपर से आप बताते हैं वो कभी कर लेंगे और कभी नहीं करेंगे तो लुकमान की हिकमत कहाँ से पता चलती है कि उन्होंने अपने बच्चे की तरबियत में सबसे पहले उसे शिरक से बचने के लिए कहा बबसई नई हम वहन अला वहन और हमने इंसान को अपने वालदेन से नेक सलूक करने का ताकीदी हुक्म दिया उसकी माँ ने उसे कमजोरी पे कमजोरी सहते हुए अपने पेट में उठाए रखा यानी हर औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी तबीयत बदल जाती है उसके खाने पीने के अंदाज बदल जाते हैं उसका पूरा लाइफ चेंज होने लगता है और कमो कुछ लोग ज्यादा متاثر होते हैं और कुछ कम होते है लेकिन जिस्मानी तब्दीलियों की वजह से वो अपने अंदर नकाहत कमजोरी महसूस करती है और दो साल उसके दूध छुड़ाने में लगे इसीलिए ये हुक्म दिया कि मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालदेन का भी शुक्र अदा करो मेरे ही पास तुझे लौट कर आना है यहाँ पर दोबारा शुक्र की तलकीन की गई है जो अल्लाह का भी होता है और बंदों का भी होता है और किस बात पर सबसे पहले ईमान की नियमतवर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए फिर तरबियत की नियमत पर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए यानी नमत ईमान पर अल्लाह का शुक्र अरिश कुर्ली वाले वालय वाले का शुक्र हम क्या कह के कहें कि आपका बहुत शुक्रिया और बहुत ग्रेटफुल है हम कि आपने हम सब बहन भाइयों की अच्छी तरबियत की उनको लिखाया पढ़ाया और यानी माजी के वो हालात और कुर्बानियां जो वालदेन ने आपके लिए की उनका तस्करा करते हुए उनको तसली दिलानी चाहिए कि हम आपके फेथफुल हैं और आपके शुक्र गुजार हैं सुफियान अबने कहते हैं जो पांच नमाजें अदा करता है गोया उसने अल्लाह का शुक्र अदा कर दिया और जो हर नमाज के बाद वालदेन के लिए दुआ करता है तो गोया उसने दोनों का शुक्र अदा कर दिया क्योंकि यहाँ दो शुक्र अदा करने की बात हो रही है तो नमाज पढ़ने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है और नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ करने वाला वालदान का शुक्रगुजार है तो अपनी नमाज के बाद रब हम रब्ब यानी सगीरा कहना ना भूले और फिर यहाँ खास तौर पर माँ का जिक्र किया गया कि माँ ने तरबियत में ज्यादा हिस्सा डाला मेहनत मशक्क़त की दिन रात उसके साथ जागी थकी ताकि औलाद को याद दहानी रहे कि वालदा ने उसके साथ क्या क्या एहसान किए हैं वो इनजा हदा का अला कभी माँ सलाम फला तो और अगर वो तुझ पर दबाव डाले कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक बनाए जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं तो उनका कहना न मान। मामलात में मामला भलाई के साथ रफाकत करना मगर पैर भी उस शख्स की राह की करना जिसने मेरी तरफ रुजू किया हो फिर तुम्हें मेरे ही पास लौट कर आना है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्या करते थे याबुनैया फिर याबुनैया कहते हैं अल्लाह जब तक बच्चों को आप प्यार ना दें आप उनको इतमाद ना दें आप उनको कॉन्फिडेंस ना दें तो आपकी बात नहीं सुनते इसलिए यह कहना बच्चे सुनते नहीं हर माँ का तकिया कलाम बन चुका है तो उन माओ से पूछा जाए आप सुनाते कैसे हैं कि वो नहीं सुनते आपके बच्चे हैं आपने पैदा किया वजह मालूम करे क्यों नहीं सुन रहे कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका कोई तर्ज अमल उनको इरिटेट कर रहा हो या आपको बुलाने का या नसीहत करने का अंदाज क्योंकि बच्चे बाजुकात माँ बाप को अवॉइड क्यों करते हैं ये जब हमें देखेंगे कोई नसीहत करेंगे तो वो हर वक्त की नसीहतें नहीं सुनना चाहते तो आते हैं और अपने कमरे में बंद हो जाते हैं जब आप जागते हैं तो वो सोते हैं और जब आप सोते हैं तो वो जागते हैं ये स्केप का तरीका है माँ बाप से क्योंकि माँ बाप से मोहब्बत नहीं मिलती सिर्फ ताने मिलते हैं माँ बाप से कोई शफकत नहीं मिलती सिर्फ तनकीद मिलती है प्यारे बेटे अगर तेरा अमल राई के दाने बराबर भी हो खबो किसी चटान में हो या आसमानों में हो या जमीन में अल्लाह उसे निकाल लाएगा अल्लाह यकीन बारीक बीन और बाबर है सुबह अल्लाह किस तरह बच्चे को अल्लाह के भरपूर इल्म कामिल्म का यकीन दिलाई ईमान मजबूत किया अल्लाह तला की सिफात का जिक्र करके तो याद रखिये कि बच्चों को तोहहीद सिखानी चाहिए अल्लाह की पहचान देनी चाहिए अल्लाह तला के नाम सिखाने चाहिए अल्लाह तला की सिफात के बारे में बताना चाहिए जैसे एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इब्ने अब्बास को चंद के सिखाए थे जिनमें यह भी था जान रखो कि अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें कोई नफा पहुंचाना चाहे तो कुछ नफा नहीं पहुंचा सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया और अगर सब मिलकर तुम्हें कोई नुकसान देना चाहे कोई नुकसान नहीं दे सकते सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया कलम उठा लिए गए सही फे खुश हो गए सुबह ये बात सुनते इंसान के ऊपर से पहाड़ों जैसा बोझ झट जाता है कि कोई नुकसान नहीं दे सकता कुछ नहीं होता कितनी तसली आ जाती है इंसान को और आज आप देखें कि बच्चों को भी स्ट्रेस होता है अतः की कि मुझे किसी ने बताया कि अब ये भी कहा जा रहा है कि माँ के पेट में भी बच्चों को स्ट्रेस होता है शायद वो माँ के स्ट्रेस की वजह से वो उनपे ट्रांसफर हो जाता है और छोटे छोटे बच्चे बाजों कहते इतने ब्लैंक होते हैं स्माइल नहीं करते बात नहीं करते कनेक्ट नहीं करते आपसे क्योंकि स्ट्रेस में होते हैं, तो इस सारे स्ट्रेस को दूर करने के तरीके भी आपको पता होने चाहिए और उनमें से एक ये खासतौर पर बच्चे जब स्कूल में बुली हो तो उस वक्त उनको जो ईमान है वो स्ट्रांग करेगा और जब वो स्ट्रांग होंगे तो फिर वो बुली नहीं हो सकते फिर वो उसका मुकाबला भी कर लेते वो क्यों डरे डरे रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने दीन पर खुद यकीन नहीं होता वो शर्मिंदा होते हैं लिहाजा वो दूसरों से चुपते फिरते और जो ताकतवर होते हैं वो कमजोरों को और आके दबाते हैं तो इसलिए यहां भी बहुत जबरदस्त तलकीन की गई है कि नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में किसी इंसान से मत डरो प्यारे बेटे या बुनैया हर दफा जब खिताब कर रहे हैं या बुनैया ही कहके कर रहे है हमने कभी कहा है मेरे प्यारे बच्चे हम क्यों नहीं कहते हैं? हम कहते हैं फिर ये बिगड़ जाएंगे फिर ये स्पाइल हो जाएंगे अगर हमने बहुत प्यार का मजाहरा किया हालांकि प्यार से बात करने से दिल करीब आते हैं और दिल करीब आए तो उन पर रसीयत ज्यादा असर करती है या बुनैया अकिल प्यारे बेटे नमाज कायम करो हम्म कितनी दफा नमाज के लिए कहते हुए आपने ये लफ्ज बोले हो शायद एक दफा भी नहीं नेकी का हुक्म दौर बुरे कामों से मना करो अमर बिल मारू भी, भी बचपन में ही सिखा देना चाहिए अच्छे बुरे की पहचान देने के साथ अच्छे बुरे की दूसरों को भी आगे वो पहचान ट्रांसफर करे और बुरे काम से मना करो अगर तुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो उस पर सब्र करो बच्चों को सब्र भी सिखाना चाहिए तकलीफों से आप उनको नहीं बचा सकते बहुत सी तकलीफें आपके बचाने के बावजूद भी उनको लग जाएंगी बीमार हो जाएंगे कुछ चोट लग जाएगी बुखार हो जाएगा यानी हम तकलीफों से बच्चों को बचा नहीं सकते तो फिर उनको सहना आना चाहिए सबर करना आना चाहिए बिलाशुबा ये सब बातें बड़ी हिम्मत के काम है फिर उन्हें अखलाक सिखाना चाहिए वला तो सास और अजराह तकबर लोगों से अपना गाल ना फुलाना मुंह मोड़ के बात नहीं करना ना ही जमीन में अकड़ के चलना क्यूँकि अल्लाह किसी खुद पसंद और फखर करने वाले को पसंद नहीं करता रसोल्ला ने भी इस अखलाक की तालीम दी है फरमाया तुम लोग एक दूसरे से हसद न करो ना ही एक दूसरे के खिलाफ रेट बढ़ाओ ना ही एक दूसरे से बोगज रखो ना ही एक दूसरे से रू गर्दानी करो और तुम में से कोई किसी की बह पर बै न करे सौदे पे सौदा न करे और अल्लाह के बन्दो भाई भाई बन जाओ यानी अगर कोई शख्स चीज खरीद रहा है तो आप कहे मैं इतने ज्यादा दे दूंगे मुझे दे दे ये भी गलत है मुसलमान मुसलमान का भाई है वो न उसपे जुल्म करता है न उसे जलील करता है न उससे झूठ बोलता है और न ही उसे हकीर समझता है। आप वसल्लम ने अपने सीना मुबारक की तरफ इशारा करते हुए तीन बार परवाया तकवा है, तकवा यहाँ है किसी आदमी के बुरा होने के लिए यही काफी है की वो अपने मुसलमान भाई को हकीर समझे तो जो दूसरों को हकीर समझता है दरअसल अल्लाह की निगाह में वो खुद हकीर है एक मुसलमान का खून उसका माल उसकी इज्जत व आबरू दूसरे मुसलमान पर पूरी तरह हराम है फिर चाल ढाल सिखाई यानी तरबियत सिर्फ एक चीज की नहीं होती कि आप उन्हें बस दुनिया कमाने के लिए तैयार करते रहे और बस एक ही बट लगाए पढ़ो 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 बल्कि जिंदगी के अंदर अखलाक और ईमान और अकीदा और इन सब चीजों को सिखाना भी जरूरी है वक्त मशिक अपनी चाल में एतदाल रखो हंगामा कभी हमने तवज्जो की, की बुलंद नहीं करनी हम ये कह के छोड़ देते हैं, बच्चे हैं ना समझाना भी नहीं चाहते अपनी आवाज पस्त रखो बात करते हुए बस इतनी आवाज में बात करो कि दूसरा समझ जाए और ये तरबियत भी बचपन से होगी वरना क्या होता है शादी भी हो जाती है और शराफत से बात करना नहीं आती बीवी पे चीख चला रहे हैं बच्चों पे चीख चला रहे हैं तो ये तरबियत बचपन से होती है बिला शुबा सब आवाजों से बुरी आवाज गधे की आवाज है यानी गधे की आवाज में आवाज के साथ चिंगाड़ भी होती है तो बास बच्चे रोते हुए चिंगाड़ते भी हैं और धाड़ते भी हैं तो इन चीजों से भी मना करना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि गधा ऐसे करता है तुमने ऐसे नहीं करना नबी सल्लाह को बेहतरीन अखलाक क्या था कि वो बाजारों में शोर नहीं मचाते थे बुराई का बदला बुराई से नहीं देते थे बल्कि माफ कर देते दरगुजर फरमाते थे अलम तरह सख्र क्या तुम देखते नहीं कि जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुसक्र किया है और उसने अपनी तमाम जाहरी और बातनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी हैं इसके बावजूद लोगों में कोई ऐसा है जो अल्लाह के बारे में झगड़ता है जबकि उसके पास न इल्म है न हिदायत और न कोई रोशनी दिखाने वाली किताब जाहिरी नमतें क्या है जैसे तंदरुस्ती है मालो दौलत है घर बार है औलाद है और बातनी नेमत वो जिन पे अल्लाह ने पर्दा डाला हुआ हमें नजर ही नहीं आती और इसी तरह दिल के अंदर का चैन और सुकून जो लोगों को नजर नहीं आता और जब उन्हें कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है उसकी पैरवी करो यानी पैरवी करो तो कहते हैं नहीं बल्कि हम तो उसी चीज की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने आबाव अजदाद को पाया है वही पुराना किस्सा क्या ये उन्हीं की पैरवी करेंगे खास शैतान इन्हें दोजफ के अजाब की तरफ बुलाता रहा हो और जो शख्स अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दे और वो नेकोकार हो तो उसने यकीन एक मजबूत हल्के को थाम लिया मजबूत कुंडा उसके हाथ में आ गया और सब कामों का अंजाम तो ही की तरफ है और जिसने कुफर किया तो उसका कुफर आपको गमजदा न करे इन्हें हमारी तरफ ही आना है फिर हम इन्हें बता देंगे जो कुछ वो करते रहे अल्लाह ताला यकीनन दिलों के रास्त जानता है

तारीफ करने में देर न लगाते। जो कुछ आसमानों और जमीन में है वो अल्लाह ही का है बेशक अल्लाह ही बेनियाज और काबिल तारीफ है और जमीन में जितने दरख्त हैं, अगर वो सब में बन जाएं और समुन्दर रोशनाई बन जाए फिर उसके बाद सात मजीद समुन्दर भी रोशनाई मुहैया करे तो भी अल्लाह की बातें खत्म न होंगी बिला शुबा अल्लाह गालिब हिकमत वाला है मा खलकुकुमला बाह का नबस वाहिदा तुम सबको पैदा करना और दोबारा जिंदा करके उठा देना अल्लाह के लिए ऐसा ही है जैसे सिर्फ एक नफ्स को पैदा करना इन समी उम बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला देखने वाला है क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करता है और उसने सूरज और चांद को मुसर किया है हर एक मुक्रा वक्त तक चलता रहेगा और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है और उसके अलावा जिन्हें वो पुकारते हैं वो सब बातिल हैं और अल्लाह ही बुलंद शान और किबरियाई वाला है क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह अपनी मेहरबानी से समुन्दर में कश्ती चलाता है ताकि तुम्हें अपनी निशानियां दिखाए इसमें हर साबिर और शाकिर के लिए बहुत सी निशानियां हैं याद रखिये समुन्दर के सफर में जिस तरह सितारे नजर आते हैं वो खुशकी पर नजर नहीं आते क्योंकि अमूमन खुशकी पर क्या होता है जहां आप रहते हैं बहुत सी रोशनियां होती हैं वो बांध पड़ जाते हैं और वो रोशनियां पर नजर नहीं आती इसी तरह सूरज का निकलना गुरूब होना और फिर तरह तरह की जगहों के, के मुशाहिदे करना तो ये अल्लाह सहनो ताला की निशानियों में से है लेकिन ये किसके लिए निशानियां है हर साबिर और शाकिर के लिए क्योंकि इन चीजों के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है यानी आंखें बंद करके और सो के भी इंसान सफर गुजार सकता है लेकिन गौर वफिकर करते हुए भी और जब इन पर साहेबानों जैसी कोई मौत छा जाती है यानी समुन्द्र के सफर में तो अल्लाह की मुकम्मल हाकमियत को तस्लीम करते हुए खालिस्तन उसे पुकारते हैं फिर जब वो उन्हें बचाकर खुशकी तक ले आता है तो फिर कुछ ही लोग हदतदाल पर रहते हैं और हमारी निशानियों का इनकार सिर्फ वो ही करते हैं जो अहद तोड़ने वाले और सख्त नाशुकरे हैं। ऐ लोगो अपने रब से डरते रहो और उस दिन से डर जाओ जब न तो कोई बाप अपने बेटे के कुछ काम आएगा और न बेटा बाप के अल्लाह का वादा सच्चा है लिहाजा ये दुनिया की जिंदगी तुम्हे धोखे में न डाले और ना कोई धोखेबाज तुम्हे अल्लाह के बारे में धोखे में डाले ये धोखेबाज कौन है शैतान ये तुम्हारे दिल में अल्लाह के बारे में कोई ऐसे ख्याल न डाले या वसूस न डाले कि तुम अल्लाह से दूर हो जाओ या उसकी इताद से दूर हो जाओ कयामत कहल अल्लाह के पास है वही बारिश बरसाता है वही जानता है की माओ के पेटों में क्या कुछ है ना ही कोई ये जानता है कि कल क्या काम करेगा और ना ही ये जानता है कि किस जमीन में वो मरेगा अल्लाह ही है जो सब कुछ जानने वाला और वो बड़ा बाखबर है